नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं जेकेके न्यूज। नमस्कार, जेकेके न्यूज में आपका स्वागत है। एटा रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी के घर में 2 मासूम बच्चों सहित 5 लोगों की संदिग्ध मौत। घर का दरवाजा तोड़कर निकाला पुलिस ने। क्षेत्र में मचा हड़कंप और कोहराम। एटा से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। अभी 5 लोगों की मौत का नहीं लग सका है पता। पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगा खुलासा। मृतकों में 78 वर्षीय राजेश्वर प्रसाद पचौरी स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड व उनकी पुत्र वधु 35 वर्षीय दिव्या पचौरी व मृतक दिव्या की बहन 24 वर्षीय बुलबुल व 10 वर्षीय आयुष बेटा व दूसरा बेटा 1 साल का है। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं। भाई के परिवार में 5 लोगों की मौत हुई है, क्या मामला है ये? कोई किसी प्रकार की बात नहीं, किसी प्रकार की। तो कैसे मौत हुई है ये पता ही नहीं। हम 7 बजे आए हैं यहाँ जी, और 7 बजे जो है उन्हें तो खाना दे के गए हैं, और खाना दे करके जो है जी वापस हो गए। उन्होंने हमको जो है चाय पीने की कही, हमने चाय पी, बैठे हैं आप। क्या बजे? 7 बजे। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर हमको जो है घर चले गए। वो आज हमारे परिवार में जो है भाभी लगती थी, वो 13वीं थी जी, वो गए नहीं थे कोरोना की वजह से जी। तो हम गाड़ी से गए थे, और हम जो है चले आए, तो उनको खाना दे के हमने कहा आप तुम गए ना आए, तो बोले कि प्रधानमंत्री तो कोरोना की वजह से नहीं है, बस ये बात। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोगों की मौत हुई है? 5 लोगों की मौत हुई। कौन कौन थे? हमारा भाई जी, हमारी भतीजी बहू, और हमारे जो है मतलब वो बहू की जो है बहन जी, और जो बच्चे भाती हैं नाती हमारे। मौत की वजह क्या माने, हत्या है, आत्महत्या, क्या मान रहे हैं? मेरी राय तो अपनी हत्या है। आज प्रातः लगभग 8 बजे मोहल्ला श्रृंगार नगर थाना कोतवाली नगर एटा क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को सूचना दी गई कि उनके ही मोहल्ले के राजेश्वर प्रसाद पचौरी के मकान जो अंदर से बंद है, गेट के पास में एक चारपाई पर उनकी बहू लेटी पड़ी है, जिनके मुंह से झाग निकल रहा है, दरवाजा अंदर से बंद है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और पुलिस निरीक्षक सूचनाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक तिवारी और जो राजेश्वर प्रसाद पचौरी के भाई और उनके भतीजों के साथ मौके पर पहुंचे, और वहाँ मोहल्ले वासियों की मदद की है। गैस कटर से मुख्य दरवाजे ताला कटवा कर अंदर प्रवेश किया, और पूरे मकान के मौका मुआयना करने के बाद पाया गया कि सभी दरवाजे छत के और मुख्य प्रवेश द्वार सभी अंदर से बंद हैं। मौके मुआयने के बाद ये पता चला कि राजेश्वर प्रसाद पचौरी, उनकी बहू दिव्या पचौरी और उनकी छोटी बहन बुलबुल तथा 2 बच्चे आरुष और आरव 10 साल और 1 साल के अपने अपने बिस्तर पर मृत प्रसार में पड़े हैं। मौका मुआयना करने पर बेडरूम के अंदर कमरे में एक सल्फास की डिबिया हार्पिक की खाली शीशी और एक ब्लेड भी पड़ा मिला है। घर में सारे सामान इसी तरह से सुरक्षित हैं। किचन में भी देखा गया तो वहाँ भी सारे सामान यथावत हैं। एक भगवने में थोड़ा दूध है, तो उसका भी सैंपल परीक्षण के लिए दिया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें जेकेके न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।